पांच चीजें जो आपको अभी के अभी छोड़ देनी चाहिए अपनी जिंदगी में, अगर आपको जिंदगी में खुश रहना है, सुकून चाहिए, यू वॉन्ट टू बी जॉयफुल एंड ब्लिसफुल इन लाइफ। नंबर वन, ओवर थिंकिंग। बहुत ज़्यादा आजकल मैं देखता हूँ कि ओवर थिंकिंग ख़त्म ही नहीं होती, सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं। सोचें कम करें ज़्यादा, नाइकी से जस्ट डू इट, सो डू इट। करेंगे ज़्यादा तो फल भी ज़्यादा मिलेगा। सो ओवर थिंकिंग क्रॉस। नेक्स्ट इज वरिंग, मतलब चिंता। अब चिंता, संस्कृत के श्लोकों में कहा गया है कि चिंता चिता समान होती है, तो जितना चिंता करेंगे उतना खुद को खोखला करते चले जाएंगे। तो चिंता को अपनी ज़िंदगी से त्यागें, उससे बाहर निकालें। नंबर थ्री, लिविंग इन द पास्ट। मैं अक्सर बहुत सारे लोगों को देखता हूँ पास्ट में ही अटके रहते हैं, पास्ट में कुछ हो गया है, कुछ गलतियाँ हो गई हैं, उसी का रिग्रेट ख़त्म नहीं हो रहा। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि जो जो पास्ट में अटके पड़े हैं, प्लीज़ अपने पास्ट को छोड़ दीजिए, वो ख़त्म हो चुका है, वो भस्म हो चुका। पर कैसे विश्वास करेगी? सो स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ, स्टार्ट हैविंग कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, इन योर एबिलिटीज। यू हैव द पावर टू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी, यू हैव द पावर टू चेंज दिस होल वर्ल्ड। बिलीव इट एंड देन इट विल हैपन। ऑलराइट, आई होप यू क्विट दीज फाइव थिंग्स राइट नाउ और इसे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल के फेंक दें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर, खुशनुमा और सफल बना सकें। थैंक यू सो मच। वी शेयर पाएंगे क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। एंड नंबर फाइव, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ डू नॉट डाउट योर सेल्फ। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि कहीं ना कहीं खुद पे डाउट इतना ज़्यादा हो गया, इसलिए आत्मविश्वास की कमी हो गई, आत्मसम्मान की कमी हो गई। तो स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ। खुद पे विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया आप पर कैसे विश्वास करेगी? सो स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ, स्टार्ट हैविंग कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, इन योर एबिलिटीज। यू हैव द पावर टू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी, यू हैव द